हेलो एवरीवन, एक बहुत ही पुरानी कहावत है, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन ये जो कहावत है ये काफ़ी टाइम से गलत साबित हो रही है कुछ लोगों के थ्रू, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो स्पोर्ट्स के अंदर करके दिखा रहे हैं और बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। आप भी अगर इस सीक्वेंस को, इस कहावत को गलत साबित करना चाहते हैं तो आपके लिए एक क्विज है, एक कॉम्पिटिशन है। ये बाकी जो क्विजेज और कॉम्पिटिशन है उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है 2019 में अगस्त में फिट इंडिया मोमेंट एक लॉन्च हुआ था, जिसका मेन मोटो था, मेन पर्पस था पूरे इंडिया के हर एक एज के पीपल को फिट करना एंड फाइन करना। इसके साथ में स्पोर्ट्स को भी जोड़ा गया है, क्योंकि हम खेल के भी अपने शरीर को, अपनी पूरी बॉडी को हम ठीक रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम उसको जो भी चाहें वैसा बना सकते हैं और हम हेल्दी रह के अपने हर एक काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए अपने मेन पॉइंट पे आती हूँ, जो कि आज का मेरा आपको बताने का पर्पस है। इंडिया ने जो ये फिट इंडियन जो मोमेंट था आपका, ये जो स्टार्ट हुआ था, इसमें एक क्विज रखा है। अब जो ये क्विज है ये किसके लिए है, इसकी क्या एज लिमिट है, क्या इसकी फ़ी स्ट्रक्चर है और इसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, ये सारी बातें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई स्कूल स्टूडेंट हैं और क्लास 8th या अबव के हैं तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये नहीं है कि क्लास 8 से नीचे वाला स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, लेकिन मैंने क्लास 8th क्यों बोला, क्योंकि इस क्विज में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके वो क्लास 8th के लेवल के आएंगे, राइट, या उससे अबव के स्टूडेंट कर सकते हैं। मे बी कोई स्टूडेंट 7th क्लास में होके अगर 8th क्लास के क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है तो ये उसका टैलेंट है। लेकिन जो इसमें स्पेशली मेंशन किया गया है, उसमें मेंशन किया गया है कि क्लास 8th और अबव लेवल के इसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। स्क्रीन पे आप जो ये देख रहे हैं ये सारा मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज अ लिंक आपके साथ में शेयर करूंगी, ताकि आपको कहीं से भी कोई बात डिटेल में आपको पढ़नी है, कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप ले पाएं, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा ना बना के सारी बातें डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, राइट। तो मेन पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो नंबर वन, इस जो ये क्विज का मेन पर्पस है, ये पूरे नेशन के अंदर एक नेशनल लेवल की क्विज है। स्टार्ट होगा आपके स्कूल लेवल से, लेकिन लास्ट का जो इसका हायर जो होगा लेवल वो होगा नेशनल लेवल का। और लगभग आप अगर देखें इसका जो कैश अवार्ड है इसका, वो आपका 3.25 करोड़ है, जो स्कूल को और स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। मेनली इसके 4 राउंड होंगे, पहला होगा स्कूल राउंड, फिर प्रीलिमिनरी राउंड होगा, फिर स्टेट राउंड होगा और लास्ट में होगा नेशनल राउंड। तो इन सारे राउंड्स को कैसे आप करें, कैसे रजिस्ट्रेशन करें, वो सारा डिटेल मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो सबसे स्टार्टिंग में आप देखें रजिस्ट्रेशन एंड स्कूल राउंड। तो जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया कि क्लास 8th और अबव वाले बच्चे अगर इसको करें तो ज़्यादा अच्छा है। हर एक स्कूल के लिए लिमिट डाली गई है कि मिनिमम 2 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना है और अपर लिमिट कोई सेट नहीं की गई है। कहने का मतलब एक स्कूल से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन किया जा सकता है। इसकी एक फ़ी है पर स्टूडेंट, जो कि आपकी है 250, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि ये स्कूल अपने लेवल पे ही इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेगा। मीन्स स्कूल जो ये जो फ़ी है रजिस्ट्रेशन फ़ी, ये स्कूल पे करेगा, राइट। अब इस लेवल के बाद में, अब स्कूल ने तो फ़ी पे कर दी, अब स्टूडेंट के पास क्या होना चाहिए? स्टूडेंट के पास नंबर 1 नो डाउट नॉलेज होनी चाहिए, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। नंबर 2 उसके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, वेबकैम होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो टेस्ट आपका होना है ये आपका होना है ऑनलाइन। तो अगर नेट फैसिलिटी नहीं होगी, लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं होगा, तो वो बच्चा अच्छे से इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो स्कूल्स को इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि उसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किया जाए जिसके पास ये सारी की सारी चीज़ें हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप मीन्स इनमें से कोई भी, और माइक्रोफोन, आपका वेबकैम और इंटरनेट की कनेक्टिविटी। उसके बाद वो स्कूल लेवल पे ही बच्चों का सिलेक्शन करके उनका रजिस्ट्रेशन करेगा। ये आपका है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप जो आपका होना है वो एक एजेंसी है प्यारे बच्चों, NTA,
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अगर आपको ध्यान है, जो नीट का, जेई का या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, ये बहुत हाई लेवल की एजेंसी है टेस्टिंग, ये आपका प्रीलिमिनरी राउंड के अंदर आपका टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। अब इस टेस्ट में क्या होगा वो आप देखें, टेस्ट में होगा आपके 60 मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चंस, आपका टाइमिंग होगा 45, नेगेटिव मार्किंग होगी, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे करेक्ट आंसर के लिए और 1 मार्क्स आपका डिटेक्ट होगा आपके रोंग आंसर के लिए। साथ ही आपका जो लैपटॉप है उसके अंदर जो विंडो 7 है या उससे हाइयर कोई विंडो आपकी होनी चाहिए, उसे बिलो की विंडो पे ये आपका काम नहीं करेगा। और एक और भी अच्छी बात है, ये जो टेस्ट होगा इसकी जो लैंग्वेज होगी, अब तक जब भी जितने भी टेस्ट होते थे वो मोस्टली 1 या 2 या 3 लैंग्वेजेस में होते थे, फर्स्ट टाइम पे ये जो आपका टेस्ट है ये 13 लैंग्वेज में लिया जा रहा है, जिसमें अगर मान लो सपोज किसी लैंग्वेज में, ये सारी लैंग्वेज स्क्रीन पे हैं आपके सामने जो जो ये 13 लैंग्वेज है, इनमें सपोज किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्वेश्चन होगा उसको बिल्कुल ठीक माना जाएगा, इसमें ये भी मेंशन किया गया है। उसके बाद सपोज आप इस राउंड में क्वालिफाई होते हैं, राइट, तो उसके बाद इसमें एक टेबुलर फॉर्म में बना के दे रखी है स्टेट वाइज, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे सपोज एक स्टेट में एग्जाम्पल के तौर पर 500 स्कूल हैं, राइट, तो इनकी कंडीशन है कि उसमें से 500 स्कूल्स में से सिर्फ 8 को ही क्वालिफाई करके अगले राउंड में भेजना है। ऐसे ही अगर सपोज किसी में स्टेट में 2500 तक हैं या 5000 तक हैं या 5000 अबो हैं, तो सारा रेशियो दिया गया है कि कितने स्कूल को क्वालिफायर राउंड के अंदर सेलेक्ट करना है, तो ये इनकी कुछ लिमिट है, राइट। अब जो स्कूल आपके इस राउंड को फुलफिल करेंगे, जो नेक्स्ट के लिए जाएंगे, वो आपके जाएंगे स्टेट के लिए। अब स्टेट में ये जो आपके जितने भी स्कूल्स गए हैं, इनमें से कुछ स्कूल आपके आगे सिलेक्ट होंगे किसके लिए, नेशनल राउंड के लिए। मैं आपको थोड़ा डिटेल में ना बता के मेन मेन पॉइंट बताना चाहती हूँ, तो आप डिटेल में प्लीज वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, या मैंने जैसा कि आपको बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पूरे के पूरे आपको जो ये लेटर है, ये जो आपको शो कर रही हूँ मेरी स्क्रीन पे, ये आपको मैं इसका लिंक शेयर करने वाली हूँ, वहां से भी आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट, नेशनल राउंड में 2 है सब राउंड, एक सेमीफाइनल राउंड है, एक फाइनल राउंड है। अब 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जो भी आपकी मिक्स है, 36 स्कूल्स को नेशनल राउंड के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। उन 36 टीम्स की फर्दर 12 ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया जाएगा और यहां से सिर्फ 16 टीम ही फाइनल राउंड के लिए जाएंगी। 16 टीम में से फर्दर 4 टीम को ही सिलेक्ट किया जाएगा, टॉप प्लेस दिया जाएगा नेशनल, या फिर जो आप बोलें इंडियाज नंबर 1 जो स्पोर्ट्स चैंपियन बनेंगे, नेशनल चैंपियन जो बनेंगे वो उनको दिया जाएगा। अब मेन बात है कि ये दिया गया है तो हमें क्या मिलेगा, राइट, एक स्कूल को, एक स्टूडेंट को क्या मिलेगा? नंबर 1 सर्टिफिकेट मिलेगा, नो डाउट। नंबर 2, ये जो नेशनल आपका राउंड होगा ना, ये आपका जो इंडिया के टॉप चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स, जैसे आपका स्पोर्ट्स चैनल है, नेशनल टेलीविजन चैनल है आपका, उसके ऊपर आपको ये शो किया जाएगा। और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं, आप यहाँ देखें स्क्रीन के ऊपर, आप पोस्ट करके देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, सपोज आप स्टेट लेवल को क्वालिफाई करते हैं, नेशनल को क्वालिफाई करते हैं, टीचर को, स्कूल को कितना कैश प्राइजेस मिलेगा। तो आप सबसे ऊपर का देखें, नेशनल में जाना ना हमें, तो नेशनल चैंपियन बनना है, तो नेशनल चैंपियन स्कूल को 25 लाख, और जो स्टूडेंट होंगे उनको 2,50,000 का कैश प्राइजेस मिलेगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये जो कैश प्राइजेस है इसकी भी एक लिमिट है। आप नीचे देखें, इस टेबल के नीचे एक लाइन लिखी गई है, ये जो भी अमाउंट होगा, ये सजेशन है कि इसको सिर्फ स्पोर्ट्स और फिटनेस पर्पस के लिए ही स्कूल यूज करेगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, सपोज आप इसके लिए एग्री हैं कि आपको ये करना है, तो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स का पता होना चाहिए कि किस डेट पे आपको ये टेस्ट देना है, किस पे नेशनल होगा, किस पे आपका फर्दर आपका रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले ये जो लॉन्च है, ये जो फिट इंडिया क्विज का जो लॉन्चिंग है वो हो चुका है, इसका लॉन्च हुआ था जून के अंदर। अब रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा? रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2021 से लेके 31 जुलाई 2021 तक, पूरा एक मंथ है आपके पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए। लेकिन मैं आपको इतना पहले ये बात क्यों बता रही हूँ, अभी तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें और ताकि स्कूल लेवल पे आपका रजिस्ट्रेशन हो, तभी तो आगे लेके लेवल पे होगा ना। नेक्स्ट आपका जो एनटीए राउंड होगा वो आपका होगा 4 सितंबर को,
उसके बाद आपका स्टेट राउंड होगा अक्टूबर में और नेशनल आपका होगा नवंबर में। इसके साथ साथ मैं आपको एक और भी चीज बताना चाहती हूँ, ये जो सारे टेस्ट होंगे, ये क्विज होंगी, इनके अंदर सिलेबस क्या आएगा? ऑब्वियसली बात है, फिट इंडिया है, आपकी फिटनेस को स्पोर्ट्स के साथ जोड़ा गया है, तो इसके जो टॉपिक्स रखे गए हैं टेस्ट का, मीन सिलेबस अगर बोले तो नो डाउट वो गलत नहीं होगा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पोर्ट आप ये देखें, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेमिंग, योगा से जो आपकी पर्सनैलिटीज हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं आपकी, या फिर जो आपके जैसे ओलंपिक्स होते हैं, आपके कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, एशियंस गेम होते हैं, आपके खेलो इंडिया गेम्स हैं, या अदर आपके पॉपुलर जो गेम्स हैं, बहुत सारे और भी आपके गेम्स हैं, या ट्रेडिशनल जो आपका फिटनेस मेथड्स हैं, इन सभी से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, गेम्स की हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, ये सारा आपका कंप्लीट सिलेबस होगा जो इन डिफरेंट डिफरेंट क्विजेज में आपका आएगा। और साथ ही इन क्विजेज के अंदर बहुत सारे राउंड होंगे जो आपको क्वालिफाई करने होंगे, कई पिक्चर बेस्ड होंगे, ऑडियो होंगे, वीडियो होंगे, बहुत सारे राउंड्स के लिए आपको प्रिपरेशन करनी होगी। सो बी रेडी फॉर दैट। अगर इसमें कोई बात रह गई हो मेरे को बतानी, तो आप प्लीज वीडियो को पोज करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारी डिटेल को ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मेरा एज अ टीचर आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, आप अच्छे से पढ़ो, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ो, जो भी आपका सिलेबस है उसको पढ़ो, लेकिन सबसे पहले फिट रहो। अगर हम फिट हैं, स्वस्थ हैं, है ना, तो कहते हैं ना पहला सुख निरोगी काया, अगर हमारा शरीर अपना अपनी बॉडी, ह्यूमन बॉडी ठीक है, तभी हम बाकी के सारे काम कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और मेरे बेस्ट विशेज हैं आपके साथ कि आप अच्छे से इसको पार्टिसिपेट भी करेंगे और आप नेशनल लेवल तक जाके विन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीवन।